रूस ने मांगी भारत से मदद। SU-75 को नहीं बचाएगा भारत तो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएगा रूस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस आज 2 सालों से भी ज़्यादा समय से युद्ध में बिजी है, जिस वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगी है। लेकिन रूस ने एक बार फिर भारत की ओर उम्मीद लगाई है। रूस चाहता है कि भारत उसका SU-75 फाइटर जेट खरीदे, जिससे वह युद्ध में कुछ दिन और टिक सके। लेकिन सवाल है कि आखिर SU-75 क्या भारतीय सेना के लिए बेस्ट विमान साबित होगा? क्या यह चीन के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के सामने टिक पाएगा? और क्या भारत को रूस की मदद करनी चाहिए? जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना यह दिखाता है कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, रूस ने सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Sukhoi-25 चेकमेट का प्रदर्शन किया। इसके अलावा रूस ने IL-76 माल वाहक विमान और MiG-35 फाइटर जेट से भी दुनिया को रूबरू करवाया। इस दौरान रूस Sukhoi-75 के लिए भारत को रिझाते हुए दिखाई दिया। हालांकि भारत ने पहले ही रूस के साथ इस जेट के विकास में सहयोग करने का फैसला किया था, लेकिन फिर बाद में पीछे हट गया। भारत के पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण ये था कि रूस भारत से इस विमान के डेवलप के लिए पैसे तो चाहता था, लेकिन इस विमान को भारत से काफ़ी ऊंचे दाम पे बेचना चाहता था। अब भाई, जब हम अपने पैसे लगाएंगे तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना ही चाहिए, लेकिन रूस ने मना कर दिया। फिर भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ इस विमान को बनाने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन हमें इस विमान की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। इसमें भी रूस ने मना कर दिया। मतलब रूस को भारत से पैसे तो चाहिए, लेकिन भारत को उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। बस रूस का कहना है कि हम इस फाइटर जेट को आपसे बेच देंगे, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यह फाइटर जेट काफ़ी घातक और ख़तरनाक है। अब यह कितना ख़तरनाक है, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रूस का यह फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है और यह अपनी बनावट की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आता। रूस ने मॉस्को एयर शो 2021 के दौरान आधिकारिक तौर पर SU-75 चेकमेट की पहली झलक दुनिया को दी थी। SU-75 चेकमेट की स्पीड को सबसे ज़्यादा कारगर बताया जा रहा है। यह जेट 2 मैक की अधिकतम स्पीड के साथ 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। साथ ही इस जेट का वजन 7,400 किलोग्राम बताया जा रहा है। जेट को एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन AES रडार, एक 360 डिग्री ऑप्टिकल और रेडियो सर्विलांस सिस्टम, एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, एक ऑप्टिकल विजन सिस्टम से लैस किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो SU-75 अमेरिका के F-35 को टक्कर देने की क्षमता रखता है। हालांकि भारत के लिए यह लड़ाकू विमान काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन के पास पहले ही 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं और अब तो वो पाकिस्तान को भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान दे रहा है। ऐसे में इन दोनों से मुकाबले के लिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि जब भारत रूस के लिए पैसे लगाएगा तो भारत को कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए, लेकिन रूस ने कोई भी बेनिफिट देने से साफ मना कर दिया है। इसके अलावा एक और कारण है जिसके वजह से भारत चाह कर भी रूस की मदद नहीं कर सकता, और वो कारण है भारत का खुद का 5th जनरेशन का AMCA लड़ाकू विमान। साल 2019 में पूर्व एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने साफ शब्दों में कहा था कि निकट भविष्य में विदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान लेने की कोई योजना नहीं है। भारत खुद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रहा है। भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान M-का होगा। दोस्तों, अगर आप M-का फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस के SU-75 को खरीदना चाहिए, या फिर भारत को खुद के फाइटर जेट AMCA पर ध्यान देना चाहिए? क्या लगता है आपको? लिखकर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।